ये ईशान स्कूल जा रहा है आज। मैं ईशान को लेके नहीं गई हूँ, आज ईशान के डैड उसको लेके जा रहे हैं। तो ये देखो सारे बच्चे आपस में वहाँ पे मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईशान टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं कुछ नया। तो अभी तो मैं आई हूँ पार्क में थोड़ा वॉक करने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज वॉक कर रहे हैं और मेरे को टाइम भी मिल गया, क्योंकि सुबह मेरा बहुत सुपर बिजी टाइम निकल गया। आज वेनसडे है तो आज ईशान की ताइक्वांडू क्लास है। तो मैं दिखाती हूँ आज अपनी बिल्डिंग और बिल्डिंग के बाहर का थोड़ा सा व्यू, जो कि बहुत सुंदर है। और मेन यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है तो फ्रेशनेस आती है, लोग वॉक करते हैं, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, बूढ़े लोग वॉक करते हैं। तो मेरा हस्बैंड भी उठते हैं। तो ये है मेरी बिल्डिंग जो कि है वीवो 9। मैं अब घर पे आ गई हूँ और ईशान स्कूल चला गया, प्रवीण को भी ऑफिस जाना है। तो मैं प्रवीण के लिए तैयार कर रही हूँ ओट्स और अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि हम इंडियंस की है कि चाय मिल जाए तो दिन की शुरुआत हो जाए। तो अब हम चाय पियेंगे और प्रवीण खाएंगे ओट्स, और ओट्स खाने के बाद वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो मैं और मेरा ये शिवी जिसका नाम वीरांत है, हम दोनों रहेंगे घर पे अकेले। बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम तो बहुत सारे हैं। मेरी चाय बन के रेडी है तो मैं अभी पीने जा रही हूँ अपनी चाय, और साथ में देखूंगी क्राइम पेट्रोल। तो क्राइम पेट्रोल के साथ मैं चाय का लुत्फ उठाते हुए थोड़े टाइम के अपने लिए टाइम निकालना है मुझे, थोड़े टाइम के लिए अपने लिए टाइम निकालूंगी। उसके बाद से क्या लाइन मिल गई। तो चलते हैं, मिलते हैं चाय पीने के बाद, फिर थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर खाने पे लग जाते हैं कि आज का मेन्यू क्या है। तो वेट, तो प्रवीण जा रहे हैं ऑफिस। बाय। कितने बजे तक आ रहे हो आप? पता नहीं, देखता फिर भी शाम में की आ जाओ क्या? फोन करके बताता हूँ, डिपेंड करता है ऑफिस पे। चलो ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बियर कैन से डीआईवाई स्टाइल में। अरे मास्क दे दो जरा। हां मास्क ले लो ना प्लीज। तो जैसा कि मैं बोली कि यहाँ पे मास्क अभी कंपल्सरी है, तो प्रवीण आप मास्क लगाओ पहले। तो प्रवीण ऑफिस जा चुके हैं और मैं अभी अपने लिए ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। ब्रेड पे न्यूट्रिला लग चुका है, मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल रही। तो इस तरीके से कुछ इस पे स्प्रिंकल कर लिए थोड़ा। मेरे पास अभी टाइम है तो मैं सोची हूँ कि शाम के भी खाने की मैं अभी की तैयारी कर लूँ। तो शाम को मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो मेरे पास ये लोकल साग है, तो इस पालक है, लोकल पालक है, तो इसको यहाँ पे कहते हैं बयाम। तो मैं इस जिपर पैक में, थोड़ी सी मेहनत लगती है मगर मैं सारी सब्जियों को इस जिपर पैक में रख लेती हूँ, जिससे वो फ्रेश रहती हैं, लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। तो ये मैं पिछले हफ्ते ली थी मगर देखिए अभी भी पूरी की पूरी फ्रेश है। तो मैं अभी पालक पनीर की तैयारी कर ले रही हूँ, पालक की तैयारी कर ले रही हूँ। पनीर रात में ऐड करके मैं इसमें पालक पनीर बना लूँगी, और अभी का मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी सोची नहीं हूँ। तो चलिए अभी हम बनाते हैं पालक पनीर और देखते हैं कैसे बनते हैं। उसके बाद से फिर मेरे को जल्दी से लंच भी बनाना है, क्योंकि अभी 11 बज चुका है और 12:30 बजे तक मेरा बेटा आ जाएगा। 12:30 नहीं 12:01 बजे तक मेरा बच्चा आ जाता है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि पालक हो गया है कि नहीं। तो पालक अच्छे से हो गया है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको कुछ देर तक ढक देते हैं। फिर इसके बाद से हम इसका पेस्ट बना लेंगे, फिर शाम में इसमें ऐड करेंगे पनीर तड़का लगा के, और हो गया हमारा पालक पनीर तैयार। तो शाम को मैं फ्री हूँ। तो ईशान की बस आ गई है और वेनसडे इसका ताइक्वांडू क्लास होता है, तो आज वो स्कूल में ही वेयर किया होगा। देखिए एक बच्चा उतरा सुहास, और अभी ईशान की बारी है। ये ईशान भी आ गया, आज ये जूडो जूडो ड्रेस पहन रखा है। सारे बच्चे, मेरा दोपहर का लंच तैयार है, बट ईशान आते ही फ्रेंच फ्राई की डिमांड करने लगा, तो मैं उसके लिए फ्रेंच फ्राई बनाने लगी और साथ में उसे कोल्ड ड्रिंक। तो आज मैं अश्वनी के आई हूँ, उसको फर्स्ट टाइम लेके। तो हमारे ट्रेडिशनल रिवाज है, तो अब वो अश्वनी पूरा करने जा रही हैं।
तो ये किड्स एरिया है और यहाँ पे बच्चे अपना यहाँ पे प्ले करते हैं, खेलते हैं और यहाँ पे ईशान खेल रहा है और ईशान के फ्रेंड How are you? Fine. Good. इनका अच्छा है, ये सुबह भी वॉक कर लेते हैं, शाम में भी खेल लेते हैं। बच्चा वहाँ खेल रहा है और हर खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं बच्चे को देख रही हूँ, अभी वो मेरी फ्रेंड लेके उसको वॉक कर रही है। हाय। तो ये मेरी फ्रेंड है जयश्री। जयश्री हाय। हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो अभी हम मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हाँ, हाय, हाय एवरीवन। कुछ बोलिए मेरे लिए। ये सुपर वुमन है। एक ही शब्द, सुपर वुमन। थैंक यू सो मच। ये है मेरी आंटी, एक मुंबई से हैं, एक पुणे से हैं। तो ये अभी मेरी कोल्हापुर। तो ये दोनों लोग मम्मी जैसी हैं, तो इनके साथ बहुत मज़ा आता है। इन लोग से बात शेयर करते हैं और ये लोग भी बहुत समझाती हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो बहुत सारे काम होते हैं। ये बेटी है आंटी, सिंपल हमारी बेटी है। थैंक यू। तो अब रात हो चुकी है और हम जा रहे हैं बनाना लेने। तो ये मेरी बिल्डिंग है, बगल में ही ये जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे एक बांग्लादेशी शॉप है जहाँ पे इंडियन सामान मिल जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो शॉप कैसी दिखती है। और वहाँ पे हिंदी भी चलती है, मोस्टली बांग्लादेशियों को हिंदी आती है। तो मेरे पीछे का आप देख सकते हैं और ये सामने बार है। मैं आपको अपनी बिल्डिंग दिखाती हूँ कि मेरी बिल्डिंग कैसी है। ये है बिल्डिंग जो कि चार है, ब्लॉक ए बी सी डी। और ये सामने स्कूल है विकास, तो ये भी इंडियन स्कूल है। यहाँ पे मोस्टली इंडियन बच्चे ही जाते हैं पढ़ने। और ये हम आ गए हैं मार्केट में, छोटा सा मार्केट है जो कि काम वाली चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। ये है 7-Eleven शॉप जो कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। मोस्टली शॉप बंद हो गई है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। 10 बजे आपको खाना भी यहाँ नहीं मिलेगा। 10 बजे से पहले अगर आप ऑर्डर करते हो तब तो ठीक है, 10 बजे के बाद शायद ही आपको, अगर आप ऑर्डर नहीं किए हो तो या तो खुद बनाओ या फिर भूखे सो। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो ये है बांग्लादेशी शॉप, ये दिखने में तो बहुत नॉर्मल है, जैसे हमारे जैसे एक कस्बे की शॉप होती है वैसी है। तो भैया बनाना नहीं है क्या? नहीं। तो ये ईशान की फेवरेट है, जब भी आता है इसके पीछे पड़ जाता है। तो ये मेरे बिल्डिंग के नीचे ही एक शॉप है 7-Eleven। तो यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है, आइसक्रीम से लेके और एवरीथिंग नीच। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा कुछ हमें यहीं पे मिल जाता है। नहीं ओके, वेनेसडे ऑफर है।
एक्सक्यूज मी। तो क्या यही रखते हैं? एक्सक्यूज मी, सॉरी। थोड़ा आइस। फिना। थोड़ी कच्ची, थोड़ी मीठी। ईशान को तो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लेता हूँ कभी कभी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।